सो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं पानी की क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या किल्लत होती है। जहाँ पे पानी अवेलेबल है लोग वहाँ पे ऐसे ही बहा के बर्बाद कर देते हैं, और यहाँ पे देखो पानी कैसे इन लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। क्या जनाब, कितने देर में डोली भर जाती है आपकी बाल्टी? एक घंटा लग जाएगा? बताओ, यहाँ पे एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को एक घंटा इंतजार करना पड़ता है, और हम लोग जहाँ पे पानी है वहाँ पे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, ये पानी हमेशा इतना ही आता रहता है कि कभी बढ़ता भी है? इतना ही। गर्मी के मौसम में कम हो जाता होगा? कम हो जाती है, तो उस समय फिर कैसे लेते पानी आप लोग? बोली से ही? तो उस समय तो एक बाल्टी भरने में 2-3 घंटा लग जाता होगा। उसमें तो नहीं लगता है। अच्छा, पानी आती कहाँ से है? तो आप लोग कैसे पता चला कि यहाँ पे पानी आ रहा है? कैसे पता चला? पानी चल रहा है। हाँ, एक किसी ने बनाया होगा ना ये? किसने बनाया था? आपको पता है कि आपके बहुत पहले की है ये? आपके जन्म से पहले की है ये? मतलब एक छोटी सी देखे सोर्स, ये इनके जन्म से पहले की बता रहे हैं। इसको देसी भाषा में बोली बोलते हैं, और नो डाउट ये काफ़ी प्योर वाटर होता है, क्योंकि ये लॉट ऑफ क्या बोलते हैं माउंटेन पोरस से गुजर के जब ये आता है तो प्योर वेरीफाइड कह लो या प्योरीफाइड वाटर होता है, जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इसी जगह से पानी आता है कि इधर से भी आता है? कहीं से? सिर्फ इसी में से आता है। तो देख लो, यही जो सोर्स है यहाँ पे, ये पूरे मोहल्ले वाले को पानी देते हैं। यहाँ के जितने आसपास के लोग हैं, देख सकते हो, सब ने अपने अपने बाल्टी लगा रखे हैं, और जब बाल्टी उनकी भर जाएगी तो वो आके आपका अपना ले जाएंगे। जैसे इनकी बाल्टी जैसे छोटी वाली है, वो लगभग लगभग भर गई है, अभी आप यहाँ से ले जाएंगे। तो दिन भर में कितने बार आते हैं पानी भरने? दिन भर में कितने बार आते हैं आप? 2-3 बार। घर में कितने फैमिली मेम्बर है? 4 लोग हैं, तो 2-3 बार में हो जाता है। नहाते कहाँ फिर? नहाने के लिए? हाँ, ये वाली तो इसके पानी कहाँ मिलते हैं आपको? कैसे कहाँ मिलता है इसके पानी? और ये लोग किधर नहाते होंगे? ये लोग इधर है पानी की सोर्स। तो जनाब, नहाने के लिए देख लो, यहाँ पे एक पानी के सोर्स दिख रहा होगा। इस तरह पानी के बहाव होती है, बारिश वाली पानी, वो इकट्ठे होते हैं, उससे नहाते हैं। तो नो डाउट पहाड़ियों की ज़िंदगी इतनी खुशनुमा भी नहीं होती, बहुत स्ट्रगल करना होता है इनको अपनी रोटी के लिए, इनको नहाने के लिए, इनको वाटर के लिए, समझ रहे हैं? जैसे देखिए दूसरी बाल्टी अब लग गई है, वो भर जाएगी तो वो अपना आके ले जाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ों का कदर किया करें हम लोग तो बेहतर होगा, क्योंकि खुदा ने जो दिया है उसकी कीमत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी जनरेशन को चुकानी पड़ेगी। जैसे देख लो कि पहाड़ी वाले लोगों के लिए पानी की कितनी किल्लत है, नहाने की कितनी किल्लत है। उनको अपने जॉब के लिए यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ठीक है, वो तो चलता है कि ऐसे भी वॉक करना ही पड़ता है लोगों को, तो इसलिए वो हेल्दी होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप कह लो इनके लिए मतलब वो है, महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है, समझे कि नहीं? जैसे ये भाई साहब की बाल्टी भर गई है, अभी पानी ले जाएंगे। एक मिनट देखो, एकदम कहते हैं ना कि नीली वाटर, देखो एकदम प्योर नीली वाटर, प्योर वाटर है। कितने देर में भर गई है जनाब? 5 मिनट भर गई? अरे गजब, 5 मिनट कहाँ भर गई? वो तो कब से रखी हुई है? जल्दी भर गई? तो कितने दिन काम चल जाएगा इससे? कितना दिन काम चल जाएगा आपके घर में इससे? एक दिन चल जाएगा? दोपहर को दोपहर को फिर से आना पड़ेगा? हाँ। दिन भर में कितने बार आते हैं आप? दो बार। हाँ। घर में कितने लोग हैं? पांच लोग हैं। हाँ। अच्छा, फिर नहाने के लिए? नहाने के लिए उधर से? तो उधर से? हाँ। ओके, मजा आता है जिंदगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में पढ़ते हो? तो पास हुए या नहीं हुए? अभी मैं 10th से गए हो? अच्छा, चलो कोई नहीं, अच्छा गुड लक, लगे रहो। चलिए, तो ये देख ले कि भाई साहब पानी कैसे ढोक ले जाते हैं, और हम लोग ऐसे ही बर्बाद करते हैं। देखो,
देखो वहाँ से एक बंदा तैयार हो रहा है, कम से कम 8-10 बाल्टी लेके आ रहा है। समझ लो कि इनके लिए पानी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। सो दोस्तों क्या क्या करें, कदर क्या करें नेचुरल चीज़ें की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।